to the channel Suraj and Shambi TV. How are you today? And I hope कि आपको last वाला vlog अच्छा लगा होगा जो कि हमने अपनी announcement की है that we are pregnant. And मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत लोग curious होंगे कि it's a girl or it's a boy and even we are very curious. हमें भी नहीं पता और अभी तक तो बिल्कुल नहीं पता तो हमने सोचा हमें जानना भी नहीं है but यहाँ पे एक advantage है अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तो आप वो आपको choice देते हैं कि आपको पूछना है what's the gender what's not the gender but वो time अभी हमारा नहीं आया तो हमने सोचा कि हमें भी थोड़ी सी curiosity हो रही है कि हम क्या करें so today we're gonna be checking old wife tales क्या ये सच है या नहीं वो क्या होता है वो ये होता है सूरज कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज होती है तो आपके सिम्टम्स है कि आपकी गर्ल हो सकती है या अगर पर्टिकुलर चीज आपकी नहीं हो रही है तो दैट मीन इट्स अ बॉय सो एज आप स्क्रीन देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने गर्ल और बॉय मेंशन किया हुआ है सो वील सी सो अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स या ये गेस करेंगे कि लड़का या लड़की एग्जैक्ट अंटिल वी एक्चुअली नो व्हाट्स द जेंडर सो वील गेट टू नो कि ये सब कुछ चीजें सच होती हैं कि नहीं होती ओके सो आर यू रेडी 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 सो ऑडियंस यू रेडी लेट्स गो सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद सूरज द मेन थिंग दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट व्हिच इज नॉजिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं उल्टी जी घबराना उल्टी वाली फीलिंग अब तुम मुझे ये बताओ सूरज कि क्या ये सिम्टम्स मुझे थे या है सो बेसिकली ये होता है कि इफ यू हैविंग नॉजिया इन प्रेगनेंसी यू टेंड टू हैव अ गर्ल एंड इफ यू नॉट हैविंग नॉजिया इन प्रेगनेंसी एट ऑल यू माइट हैव अ बॉय सो यू डोंट हैव नॉजिया आई मीन I had no nausea. Yeah, so that means it's a boy. Symptoms. According to the symptom, it's a boy. Okay. Because I had no nausea. Okay, what's the next? Okay, so the next is the sleeping position. So, agar aap apne right pe so rahe ho, that means you're having a girl. Usually, aap right pe hi prefer karte ho sona, right side pe. Aur agar aap left side pe so rahe ho, it's usually a boy. So, you are always on your left. You sleep later than me, so you know it better. No, but I've seen you always sleeping on the left. Well, I mean, she's much more comfortable when she is on the left. Yeah. So that means again the symptom is for a boy. Really? Yeah. So I think अभी तक हमारी कोई preference नहीं है तुम्हारी कोई preference है? नहीं. अभी हमारी कोई preference नहीं because it's a first child. तो ऐसा होता है कि I mean I'll be happy अगर लड़की हो. हाँ. But all dads are like that and for me अगर boy भी हो गया तो मैं तो भी खुश हूँ अगर girl भी हो गई तो भी खुश. So anyways, so the second, sorry. So the third point is that cravings of sugar or cravings of salt. तो अगर salty cravings होती है, it's usually a boy. और अगर sugar cravings होती है, so it's usually a girl. तो सूरज मेरी cravings. सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इसको तो कुछ cravings ज़्यादा हुई नहीं. And I was surprised कि यार ये कुछ बोलती नहीं है यार ये pregnant भी है कि नहीं वो मेरे को ऐसे लगा कि I was in doubt क्योंकि इसको कोई क्रेविंग ही नहीं होती थी मेरे को ये खाना है मेरे को वो खाना है she was pretty chill out pretty good but as far as मीठे या salty की क्रेविंग है मुझे लगता है कि दोनों ही था it was a mixture of both क्योंकि ये चिप्स भी खाती है salty और ये मीठा भी खाती है इसको कभी चॉकलेट खानी है इसको आइसक्रीम खानी है ये दोनों है सो मैं एक के साथ ही जाऊंगा दोनों गर्ल को भी बॉय को भी जाएगा सो द पॉइंट गोज अप सूरज बॉय हमेशा मुझे बोलता था कि यार शांगवी क्योंकि हम मेलबर्न में रहते हैं और मेलबर्न में सलाम नमस्ते आई थी और वो उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ था गाना पौने बारह बजे दोनों घर से चले वो बेन एंड जेरीज डार्क फट चॉकलेट आइसक्रीम मुझे कहते हैं तेरी क्रेविंग्स ही नहीं हो रही कहते चल कहीं चले तेरी क्रेविंग्स ही नहीं हो रही मैं तो लाने के लिए तैयार हूँ सारे बॉर्डर है मेरा तो हमको उसके लिए ग्राउंड नहीं जाना पड़ता हम नीचे से ले आते हैं हाँ वो उनको ऑल द वे पता नहीं क्यों गए हो हमको डांस नहीं करना पड़ता एनीवे या सो द फोर्थ ओल्ड वाइफ टेल इज दैट इफ द बेबीज हार्ट बीट ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड इज मोर देन 150 इट्स अ गर्ल एंड इफ इट्स लेस देन 150 इट्स अ बॉय So, हमारे बेबी की सूरज हार्ट बीट वॉज मोर देन 150 तो गर्ल इट्स एज पर दैट दैट द पॉइंट गोज फॉर अ गर्ल तो कितने हुए बॉयज बॉय के आई थिंक इट्स ऑन द स्क्रीन बॉय के थ्री है एंड गर्ल के गर्ल की टू आई थिंक और कोई है सो आई थिंक आई हैव लॉस्ट द ट्रैक नहीं आई थिंक लड़के के थ्री है और लड़की के टू है या सो दैट्स द ओल्ड वाइफ टेल डू यू एक्चुअली बिलीव इन दिस सी इट इज फॉर फन आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट वो हमें तभी पता चलेगा कि एक्चुअली जब हमारे सामने एक्चुअली दिस इज ऑल फॉर फन ऐसी गेम है बट एक्चुअली मैं इस सब में एक्चुअली बिलीव नहीं करता हूँ आई नो बट ये सारी चीजें कहते हैं कि पुराने जमाने की मम्मीज दादीज ओल्ड वाइफ ये बोलती थी कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है बट अभी हम लोग हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे हम थोड़े टाइम खुश हो जाएंगे अंटिल वी हैव अ जेंडर रिवील ऑफिशियल जेंडर रिवील कि हमारा एग्जैक्टली जेंडर क्या होगा सो नेक्स्ट क्या है
So Suraj, next is that if a woman is carrying her stomach a little higher, that means वो आपकी rib cage से शुरू होता है, थोड़ा पेट आगे से round होता है, so that is a girl. और अगर आपका पेट नीचे की तरफ है, which is towards your abdomen and it's like a small basketball or like a muskmelon, जिसको हम खरबूजा कहते हैं हिंदी में, that means it's a boy. So you have seen my stomach n numerous of time. अब तुम मुझे बताओ. Girl. Yeah. So मेरा पेट ऊपर से शुरू होता है, उस हिसाब से इट्स अ गर्ल. सो इक्वल पॉइंट्स हो गए. सो आई थिंक गर्ल और बॉय के इक्वल हो गए पॉइंट्स. सो हाउ कंफ्यूज है. अभी हमको नहीं पता कि क्या लड़का है लड़की है, 50-50, जब तक कि हम जेंडर रिवील नहीं फाइंड आउट करते. और आप लोगों ने मुझे देखा है और आप लोग मुझे भी देखते हो, आप सूरज को भी देखते हो, प्लीज आप लोग गेस करो, प्लीज गेस करो और हमें बताओ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी एग्जैक्टली कि क्या है, बिकॉज वी आर सो कंफ्यूज. सो नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे कि मैंने YouTube पे देखा था कि कैसे ये लोग बॉय है या गर्ल है गेस करते हैं. वो लड़की का बाल तोड़ के, कोई भी एक ऐसा लंबा सा बाल, उसके अंदर उसकी रिंग डाल के, कौन सी रिंग, कोई भी वेडिंग रिंग हो या कोई भी रिंग हो, तो वो रिंग को बाल में ऐसे डालते हैं और वो ऐसी आई थिंक स्ट्रैटेजी रखते हैं, और वो अगर राउंड घूमता है तो इट्स अ गर्ल, और अगर वो पेंडुलम की तरह घूमता है तो इट्स अ बॉय. सो लेट्स जस्ट सी. सो ये गेम है जो मैंने YouTube पे देखी थी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैंने सोचा था कि जब भी यार हमारा बच्चा होगा तो मैं ऐसी एक गेम जरूर खेलूंगा. तो मैं सबसे पहले तो ये रिंग ले जा रहा हूँ. ओके, इसको सब पता है कि कहाँ पे पड़ी है चीज. सो अब मैं तुम्हें अपना बाल दूँ. ये उसकी रिंग है, वेडिंग रिंग. बाल तो झड़ गया ऑलरेडी. तुम्हें तोड़ना ही पड़ा. कहाँ है बाल? रुको, तोड़ मत. नहीं नहीं, तोड़ नहीं रही, एक सेकंड रुको ना, मुझे एज देखने दो उसका. हाँ इसमें डाल. हाँ गया अंदर. नाउ इसको थोड़ा ऊपर से पकड़ो. आई होप आप लोगों को दिख रहा हो ये. अगर नहीं दिख रहा तो ब्लैक बैकग्राउंड पे है ना सूरज के, तो फिर दिखेगा शायद रिंग. नहीं नहीं, तुमने इक्वल, रुको मेरे को इक्वल पकड़ने दो तुम्हें. कैसे बाल है तेरे, शैम्पू क्यों है? ये देख, गिर गया. तेल लगा के दिए क्या बाल? नहीं, शैम्पू है. देखो सुई धागा बहुत अच्छा. दो चार दे. आउच, स्टूपिड पर्सन. रुको अब मैं अपनी वो दो, अपना हाथ बस यहाँ तक, ये पकड़ो बस, अब चुपचाप पकड़े रहना. अबे ये तो बहुत कम है. बस ऐसे ही होगा यार सूरज, इट्स नॉट अ धागा, इट्स बाल. नहीं है मेरे बाल, मैंने पता कितने तोड़ दिए तुम्हारे चक्कर में. बस एक चुपचाप पकड़ो यहां से. बहुत ही मेहनत के बाद. सो कीप इट स्टैटिक. So if it's in circles, it's a girl. If it's in pendulum, it's a boy. Do you think he hilega? Try it. Chhod do. Let's try. Circle. See. It's circle, na? It is circle. Oh my God. Okay. Dekho, I never knew ki a game. Oh, it's a circle, na? पेंडुलम भी है, सर्कल भी है, बट आई थिंक इट स्टार्टेड विद सर्कल. सो यू वांट टू गिव पॉइंट्स टू बोथ? आई थिंक नो, इट्स अ सर्कल. या सी, इट्स अ सर्कल, इट्स अ सर्कल. तुम जान के ऐसे तो नहीं. नहीं नहीं, आर यू मैड? मेरा हाथ एक. वाहियात गेम लगी. बहुत ही ज्यादा वाहियात गेम है. पहले तो बाल ढूंढो, बाल में रिंग डालो, हाथ में तो आ नहीं रहे बाल. बट एक्चुअली अगर आप, मैंने बहुत ही स्टैटिक रखा हुआ था और इसने, ये सर्कल हुआ, ये सर्कल में ही घूम रहा था. हाँ, पेंडुलम में नहीं था. तो सर्कल का घूमना, दैट मींस गर्ल. इट्स अ गर्ल. सो गर्ल जीतती है एक्स्ट्रा पॉइंट. सो गाइस, जब तक हम लोग जेंडर फाइंड आउट नहीं करते, सो इट्स अ फन गेम. सो एनी वन हु इज काइंड ऑफ यू नो कंसीविंग और हैज कंसीव्ड एंड इज इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर दे हैविंग, गर्ल और अ बॉय, दे कैन प्ले दिस फन गेम. इट इज वेरी वेरी मच. I don't believe in all this, yeah. Seriously. You believe it or you don't believe it, but it's fun.
fun. Like, it's for fun. Just for you to know, you know, how will you know if you don't have those cans and everything? Anyway, so guys, I hope aapko ye vlog bahut acha laga ho, entertain kiya ho, aapko maza aaya ho hamare saath. Aur aise bahut sare vlogs aane wale hain, bahut hi interesting vlog aane wale hain, jisme I don't want to disclose it. Yeah, bahut hi fun aur funny vlog hai wo. Iske baad aayega wo vlog. Aur I hope ki aapko Shambhvi ki pregnancy diaries bhi achhi lagi ho. Usne first uska episode dala hai. Exactly. Aur I hope you had fun. Aur bhi aise vlogs aayenge jo aapko entertain karenge, आपको हंसाएंगे और फिर बच्चा आएगा, फिर बच्चे के साथ हम लोग व्लॉग बनाएंगे. सो जर्नी चलती रहेगी और फिर बच्चा भी बोलेगा क्या, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. मस्त रहिए. सी यू.